तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब कल तो देखने को मिली है तबाही, थिएटर हाउस में तो मिली है, उसके बाद सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से तबाही देखने को मिली है। वो इसलिए भी देखने को मिली है क्योंकि आज डार्लिंग प्रभास यानी द डायनासोर का बर्थडे है 23 अक्टूबर को। तो मैं बर्थडे विश करना चाहूंगा और दिल से विश करना चाहूंगा क्योंकि आई एम ऑल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ प्रभास। कल ये तबाही देखने का कारण ये भी था कि परसों एक बॉम्ब सॉलिड तरीके से फूट चुका था, कौन सा? राजकुमारी हिरानी फिल्म 21 दिसंबर 2023। मतलब क्या कि डंकी जो मूवी है वो 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। मैं फिर बताऊं, मेकर्स की तरफ से कहीं से कहीं तक ये चीज़ ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई है, बट ठीक है, बड़े बड़े क्रिटिक्स का मानना है, ट्रस्टेड सोर्सेज का मानना है कि मूवी इंटरनेशनली 21 दिसंबर को रिलीज होनी है। कहीं पर ये भी सुनने में आ रहा है कि 21 दिसंबर को इंडिया में भी रिलीज हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हाइप ये चल रही है कि मूवी 22 दिसंबर को ही इंडिया में रिलीज होगी, इंटरनेशनली 21 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी। क्योंकि परसों बहुत सॉलिड पोस्टर आया था, देखा जाए तो बहुत सॉलिड पोस्टर आया था। स्टार्टिंग में मैंने देखा था, मुझे र्यूमर्स लगा, फेक लगा, क्योंकि फैन मेड कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि डंकी वर्सेस सालार, ये जो इतना बड़ा क्लैश चल रहा है, इसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। छोटी सी चिंगारी यहाँ इतना बड़ा काम कर रही है, जबकि परसों ये जब पोस्टर आया था स्टार्टिंग के 1.5-2 घंटे में ही 20,000 से ऊपर ट्रेंडिंग प्लस पोस्ट हो चुकी थी ट्विटर में। तो ज़बरदस्त बिल्कुल, और पोस्टर बहुत शानदार था जिसमें उधर गल्फ़ कंट्रीज से लेकर आई थिंक इंग्लैंड से लेकर नीचे इंडिया तक की ये जर्नी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सोल्जर्स वाली लाइफ की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें? अपनी मूवी में, राजकुमार हिरानी फिल्म, मतलब ये नाम ही काफ़ी है। बड़े बड़े साउथ के डायरेक्टर सुपरस्टार खुद क्या कहते हैं, SS राजामौली ने उनकी तारीफ करी है कि ही इज़ द वन एंड ओनली डायरेक्टर, और उसके जैसा डायरेक्टर, उसकी जैसा विजन किसी के पास हो नहीं सकती। बाय गॉड, राजकुमार हिरानी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये नाम ही काफ़ी है इस मूवी को चलाने के लिए, डंकी को। बल्कि साथ में सुपरस्टार शाहरुख खान, ग्लोबल स्टार शाहरुख खान का जो नाम जुड़ रहा है, भाई फाड़ने वाले हैं ये, ज़बरदस्त फाड़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत नील प्लस प्रभास, ये कॉम्बिनेशन भी हल्का फुल्का नहीं है, और कल हमने इसकी ताकत देख ली। फैन मेड बहुत ही जगह ये देखा जा रहा है, बहुत से र्यूमर्स भी आए हैं। कल एक आध पोस्टर ये भी देख रहा था, आई डोंट नो कितने सच हैं कितने नहीं, कि मूवी को अब सालार को 20 दिसंबर को रिलीज करा जाना है, बट हो नहीं सकता ऐसा। लेकिन अगर हो गया तो भाई बहुत ही बेकार हो जाएगा यार, ये क्लैश के चक्कर में ये दोनों मूवी जो इतना अच्छा कलेक्शन करती हैं, ज़बरदस्त पोटेंशियल रख रही हैं, ये सब खराब हो जाएगा बिल्कुल। फैंस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, किसको चुने किसको नहीं चुने। सिंगल कॉम्बैट वॉर देखने को मिल रही है और पार्शियलिटी किसी ना किसी को यहाँ पर करनी पड़ जाएगी, तो ये चीज़ गलत देखने को मिल रही है। लेकिन आज प्रभास का बर्थडे है तो कल फुल ट्रेंडिंग रहा है सालार, कल फुल ट्रेंडिंग रहा है, लेकिन हैशटैग वही इस्तेमाल करा जा रहा था, सीज फायर ऑन 22 दिसंबर। लग नहीं रहा है कि ये लोग सालार के मेकर्स मूवी को 20 तारीख को रिलीज़ कर देंगे, लेकिन कौन जानता है भैया, यहाँ पर पूरी गुत्थम गुत्था हो चुकी, कॉम्पिटिशन फुल चल रहा है। तो हो सकता है मे बी यहाँ पर मेकर्स 20 दिसंबर को मूवी रिलीज कर दें, लेकिन आज 23 अक्टूबर को प्रभास के बर्थडे पर आज शाम को हमें कुछ सॉलिड देखने को मिलने वाला है। कोई ऐसा सेकंड टीजर वगैरह नहीं होगा, हाँ पोस्टर सॉलिड आने वाला है, क्योंकि कल प्री प्लानिंग पोस्टर शायद होम वाले प्रोडक्शंस की तरफ से निकला था प्रभास का, और सॉलिड पोस्टर निकला था, लेकिन आज ऑफिशियली एक नया पोस्टर रिवील करा जाएगा सालार से रिलेटेड प्रभास का, और ज़बरदस्त होगा वो देखने के लिए। और उसके लिए बाय गॉड बहुत लोग वेट कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से वेट कर रहे हैं। तो ये डंकी वर्सेस सालार का जो क्लैश है भाई, ये बहुत सॉलिड चल रहा है, बहुत सॉलिड। ये न्यूज इतनी ट्रेंडिंग चल रही है, छोटी सी चिंगारी मतलब ऐसी बड़ा ब्लास्ट का काम कर रही है। हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब फूटा था ना, वो काम कर रहे हैं, क्योंकि एक पोस्टर रिवील हुआ है परसों। सिर्फ शाहरुख खान का नाम तक रिवील नहीं हुआ, शाहरुख खान की शक्ल तक रिवील नहीं हुई है, सिर्फ बैक टांग कर एक पीछे से खड़े हैं, पीछे का बैक साइड का लिया गया है, और जर्नी के हिसाब से क्या कहते हैं, एक माइंड सेट करके वो पोस्टर लगाया गया था, सेट कराया गया था, और वही चीज़ इतना ट्रॉल हुई है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 ट्रेंड चल रहा था। जबकि लियो इस टाइम पर इतना हाइप सेट करके बैठी है, हर दिन थालापति विजय, लियो, ये सब देखने को मिल रहा है, लियो ब्लॉकबस्टर, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उस
ट्रेंड को बीट डाउन करके शाहरुख खान की फिल्म डंकी #1 पर ट्रेंड कर रही थी। उसके बाद कल सालार ट्रेंड कर रहा था, सीज फायर ऑन 22nd December। उसके बाद सालार #सालार #प्रभास #डार्लिंग प्रभास #डायनासोर, ये सब ट्रेंड कर रहे हैं कल को। और आज तो ट्रेंड करना ही करना है, आज तो खुद डायनासोर का बर्थडे है, आज सुबह से ही जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिलना है। तो भाई साहब यहाँ पर सालार के मेकर्स प्रशांत नील बहुत सॉलिड रिलीज करने वाले हैं। भाई साहब जवाबदेही तो इन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि पहला मूव डंकी मेकर्स ने चल दिया है, तो सेकंड मूव अब सालार मेकर्स की बारी है। बर्थडे का क्या इस्तेमाल करते हैं देखा जाएगा। मे बी जो हम बात कर रहे थे कि सालार के दो ट्रेलर आएंगे, उसमें से शायद प्री टीजर ये लोग रिलीज कर दें, लेकिन पॉसिबली चांसेस यही है, मोस्ट चांसेस यही है, मोस्टली चांस यही है कि आज एक नया पोस्टर रिलीज करा जाएगा, और डेफिनेटली रिलीज करा जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है, आज क्या हो सकता है, क्या ट्रेलर निकल सकता है, प्री टीजर निकल सकता है या पोस्टर निकल सकता है? और सुपरस्टार प्रभास के, द डायनासोर प्रभास के जो भी फैन हैं, मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा उनको, और आपकी तरफ से बर्थडे विश हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग प्रभास का दिन है आज। देखा जाएगा क्या होता है, सालार के मेकर्स क्या कदम लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया गया ना। डंकी वर्सेस सालार, ये क्लैश सही है या नहीं है, किसको सही लग रहा है किसको सही नहीं लग रहा है, तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आप किस सुपरस्टार के बिग फैन हैं, डाई हार्ट फैन हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।